हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। योग्यता ही है यूपी में नौकरी का एकमात्र मानक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के 1438 नए जूनियर इंजीनियर को दिया नियुक्ति एवं पदस्थापना पत्र। कहा, ईमानदारी से नौकरी मिलेगी तो काम में होगा समर्पण। सभी को मिली मनचाही तैनाती। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन निवर्तमान शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी सहित 6 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। अब तक कुल 17 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। मंडलायुक्त ने कहा, 1 को मतदान व 3 दिसंबर को होगी मतगणना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं के निष्कासन और परसों की रिपोर्टिंग न करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई पर की गई चर्चा। मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर दिया गया जोर। धनतेरस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के 48 नव नियुक्त जूनियर इंजीनियरों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, ईमानदारी के साथ सुचिता पूर्ण और पारदर्शी ढंग से चयनित व्यक्तियों के काम में झलकती है ईमानदारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा आरिका अखौरी ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट पर की चर्चा। स्वास्थ्य विभाग के कायाकल्प योजना के तहत गोरखपुर को प्रदेश में मिला सर्वश्रेष्ठ स्थान। भटहट पीएचसी ने जीता प्रथम अवार्ड। सभी विजेता चिकित्सा प्रभारियों को डीएम ने किया सम्मानित। कार्यों की सराहना दी बधाई। धनतेरस से लेकर दिवाली तक लुटेरों से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस है अलर्ट। महिलाओं के साथ छेड़खानी व अन्य घटनाओं के लिए शेरनी दस्ता भी कर रहा है गश्त। अफसरों का निर्देश, सतर्कता ऐसी हो कि कहीं न होने पाए कोई वारदात। कचहरी कलम में अस्थायी पटाखों की दुकानों की सुरक्षा के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट व अग्निशमन अधिकारी ने किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धनतेरस को लेकर एस्प्रा ज्वेलर्स में दिखी ग्राहकों की रौनक। लोगों ने सोने चांदी के सिक्कों की जमकर की खरीदारी। एस्प्रा ज्वेलर्स के अभिभावक बालकृष्ण सर्राफ ने ग्राहकों को दी धनतेरस की शुभकामना। एसपी ट्रैफिक ने शहर के अंदर यातायात व्यवस्था डायवर्जन का किया निरीक्षण। कहा, कहीं भी नहीं है जाम की समस्या। लोगों को त्योहार पर खरीदारी करने में हो रही आसानी। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,443। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 387 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। और धनतेरस के अवसर पर महानगर में सजी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों सहित बर्तन और मिठाई की दुकानें। खरीदारों की उमड़ी भीड़। लोगों ने जमकर की खरीदारी।